तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी सीक्रेट यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों मैं केजीएफ चैप्टर 2 के सफलता के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुसलमान की ईद जैसे बड़े त्योहार के दिन पहले ही केजीएफ 2 मूवी को रिलीज कर दिया गया था। आपको पता होगा कि बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान की मूवी ईद जैसे बड़े त्योहार में रिलीज होते हैं, लेकिन इस बार सबके चहेते फेवरेट सुपरस्टार यश के केजीएफ चैप्टर 1 के सफलता के बाद केजीएफ चैप्टर 2 को सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया था। तभी मुसलमानों द्वारा मीडिया वालों को सलमान खान के बारे में खरी खोटी भी सुनाई गई है। केजीएफ चैप्टर में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक न कोई फिल्म बना पाई है और न शायद कभी बना पाई। दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 में जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस फिल्म में लोगों द्वारा गजब का प्यार देखने को मिला है। इस फिल्म को 14 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अब भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर प्रतिदिन करोड़ों पर करोड़ों कमाई के रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। इस फिल्म को 3 हफ्ते से ज्यादा रिलीज हुए हो गए, फिर भी सिनेमा घरों में अभी भी लोगों द्वारा इस फिल्म को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ईद के दिन कुल कमाई 10.5 करोड़ की हुई है, जो मुसलमान भाइयों द्वारा काफी प्यार मिला है इस मूवी। इसी के साथ इस फिल्म में कुल 283.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया गया है। बात करें फिल्म की तो इस फिल्म में यश रॉकी भाई का किरदार निभाते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फिल्म में विलेन का किरदार संजू बाबा अधीरा का रोल निभाकर इस फिल्म में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। इन दोनों के अलावा श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और प्रकाश राज जैसे कलाकार भी मुख्य किरदार के रूप में नजर आए हैं। साउथ के ऐसे ऐसे मूवी के कारण आज साउथ फिल्मी दुनिया में नंबर 1 पर है, लेकिन कभी एक समय रहा करता था कि बॉलीवुड फिल्मी दुनिया में नंबर 1 रहता था। अब तो बॉलीवुड जैसे डूबता हुआ दिख रहा है। अब तो बॉलीवुड को शायद कोई करिश्मा ही बचा सकती है। तो दोस्तों आपको मैं यह कहना चाहूंगा कि यश के इस फिल्म को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस मूवी के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।